सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज हिंदी की कक्षा में हम क्या करेंगे, पेज नंबर 41। देखो ये पेज नंबर 41 है ना, पेज नंबर 41 पे आप कुछ औजार बने हुए हैं, ठीक है। ऊपर नाम लिखे हैं, हमें इनमें से बताना है कि ये कौन सा औजार है। ये देखो, ये क्या है, हथौड़ा, हथौड़ी ये है। और ये क्या है, पेचकस। और ये है खुरपी। और ये करनी। और ये आरी, ठीक है। सबसे पहला क्या है, हथौड़ी। हथौड़ी से हम क्या करते हैं, कील ठोकते हैं। दीवार में जब हमें कील ठोकना होता है, फर्नीचर बनाने वाले को जब कील ठोकना होता है, तो हम उसको हथौड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये लोहा बना होता है, पीछे हैंडल उसकी लकड़ी की होती है। क्या है ये, हथौड़ी। पेचकस से हम क्या करते हैं, पेच को टाइट करते हैं, टाइट करते हैं और लूज भी करते हैं, ठीक है। पेचकस इसलिए यूज होता है। और तीसरा है खुरपी। खुरपी मिट्टी खोदने के काम आता है। खुरपी से हम मिट्टी खोदते हैं, ठीक है, खुराई करते हैं बगीचे में, खेत में। और उसके बाद क्या है, करनी। करनी किस काम आता है, करनी दीवार बनाते हैं ना, जब बिल्डिंग घर बनाने के लिए, तो दो ईंटों के बीच में जब हम सीमेंट लगाते हैं तो करनी की मदद से लगाते हैं, ठीक है। दो ईंटों को हम सीमेंट से जोड़ते हैं और उसको सीमेंट लगाने के लिए हम करनी का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट क्या है, आरी। आरी से क्या करते हैं, हम लकड़ी काटते हैं। जो कारपेंटर होते हैं, जो लकड़ी का सामान बनाते हैं, वो लकड़ी से ही लकड़ी का सामान, लकड़ी का जो चीज़ होता है ना, उसको हम उसके पट्टों को आरी से काटते हैं। अभी बहुत सारे मशीन भी आ गए हैं, बट मेन जो होता है उनका औजार है, आरी ही होता है। आरी से वो लकड़ी काटते हैं और औजार बनाते हैं। ओके, समझ में आ गया आपको। ये वाला काम आपको बुक में ही करना है, और जिनके पास बुक नहीं है वो कॉपी में करेंगे। ये वाला नाम तो आप यहाँ लिख लोगे, लेकिन नोटबुक में आपको लिखना है कि जैसे मैंने ये बताया ना कि हथौड़ी का क्या इस्तेमाल होता है, कील ठोकने में, पेच का पेच को टाइट करने में, पेच को कसने में, और खुरपी मिट्टी खोदने में, करनी ईंट को जोड़ने में, और आरी लकड़ी काटने में। ये वाला काम आप कॉपी में करोगे, ठीक है, और मेरे पास इसकी पिक सेंड करोगे। इसमें कुछ ना कुछ हथियार तो आपके घर में भी होंगे, जैसे पेचकस, हथौड़ी, खुरपी। तो आप कौन कौन से हथियार, औजार आपके घर में हैं, इसकी पिक अपने साथ लेके भेजना। लेकिन जब आप पिक ले रहे होगे तो मम्मी पापा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि पेचकस है और आरी है या खुरपी है, ये शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं, इसके साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो आपके मम्मी पापा भी साथ में होने चाहिए, और इसके साथ आप पिक लेके मेरे पास भेज सकते हो कि मेरे पास घर में ये औजार हैं। ओके, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। काम जरूर करना है और मेरे पास सेंड भी करना है। बाय बाय।